सबसे पहले तिरुपति मंदिर के लड्डू में मांस और फिश ऑयल मिलता है, जिससे देश भर के हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचा। अब ये मामला और बढ़ता जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए, जिसमें स्टॉल लगाकर खाने पीने का सामान बेचने वाले लोगों की काली करतूतों का पता चला। तो मामला कुछ ऐसा है कि कई दिनों से यूपी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में खाने पीने की चीजों में थूकने और पेशाब मिलाने जैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसी को लेकर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल अब सीएम योगी ने खानपान में गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने सूबे के सभी होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट की जांच के साथ वेरिफिकेशन के भी ऑर्डर दिए हैं। इतना ही नहीं, खानपान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोप्राइटर और मैनेजर के नाम डिस्प्ले किए जाने चाहिए। ये मामला देश भर के भक्तों से जुड़ा है। ऐसे में केवल तिरुपति मंदिर ही नहीं, यूपी की अयोध्या नगरी में भी बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। इस फैसले का राम नगरी पर क्या असर पड़ा, अयोध्या वासियों के कैसे रिएक्शन सामने आए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जो खाद्य पदार्थ हैं उसको अशुद्ध बनाने के लिए और कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थों में थूक, जिहाद और मलमूत्र के माध्यम से खाद्य पदार्थों को पूरी तरीके से दूषित करने और तिरुपति बालाजी में कि कैसे जानवरों की चर्बी से तैयार वसा, मांस, बीफ इत्यादि को मिक्स करके और पूरी तरीके से बेधर्मी सनातन धर्मावलंबियों को पदभ्रष्ट बनाने के लिए निरंतर साजिश कर रहे हैं। एक अंतरराष्ट्रीय फंडिंग के तहत भारत में षड्यंत्र की जा रही है। मैं मानता हूं कि 100 करोड़ सनातनी माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी के इस फैसले से काफी खुश है और खाद्य पदार्थों की शुचिता और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए, उसकी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेके कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिए। फिर वो ढाबा हो, वो कोई दुकान हो, और जांच करके कार्यवाही की जानी चाहिए। जिस प्रकार से ये घटनाएं मंदिरों में घट रही हैं, जो आस्था का केंद्र है, तो फिर ढाबे के लोग और होटलों के लोग क्या बेच रहे हैं, कम से कम ये जनता को पता होना चाहिए। उनका वेरिफिकेशन हो और उनके खाद्य पदार्थों को जांच किया जाए और ढाबे के सामने नाम लिखा जाए, ये स्वागत योग्य है। कम से कम लोगों को ये तो पता चले कि जो लोग खा रहे हैं, जो लोग ले रहे हैं, उसमें क्या मिला हुआ है और वो किस तत्व से बना हुआ है। तो निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य है और क्या उत्तर प्रदेश ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में खाने पीने की सामग्री पर और ढाबों पर, होटलों पर ये नियम लागू कर देना चाहिए। बहुत ही अच्छा ये है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि है जो भी आइटम गलत हो उसकी जांच हो और जिसके खिलाफ गलत पाए जाने पे अच्छे ढंग से कार्रवाई हो। हम लोग भी यही चाहते हैं। हम लोग तो देखिए, ये जो मंदिर के तरफ जितनी दुकानें हैं, हम लोग एकदम एक नंबर का सामान गलाते हैं। फॉर्चून बेसन, शुद्ध घी और चीनी का इस्तेमाल होता है। हम लोग चाहते हैं कि हर तरफ हर दुकानदार का जांच हो, जिसके खिलाफ गलत सब पाया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई हो। हम लोग भी तैयार हैं, जो भी जांच होगा हम लोग भी तैयार हैं जांच कराने के लिए। वेरिफिकेशन करना जरूरी है, नाम वेरिफिकेशन हर दुकानदार को जरूरी है। हम सहमत हैं उससे। जिस तरह तिरुपति में हुआ था उस तरह खैर यहाँ यहाँ सब उच्च क्वालिटी के सब सामान हैं। हम लोग के लड्डू भी उच्च क्वालिटी के हैं, तो यहाँ वो तरीके नहीं है, लेकिन उस तरीके जांच हम लोग पक्ष में हैं कि हो जाए। ये कि जो मांस मिला है वो नहीं मिलना चाहिए। इतना हनुमान जी का बड़ा मंदिर, बालाजी का, ये सब बहुत गलत हुआ है, पर ये सब जांच होना चाहिए। और जो निकला बहुत गलत निकला है। दुकान के जांच को बात है भाई, जो गलत है गलत रहेगा, जो सही है सही रहेगा। भाई हनुमान जी, हम लोग प्रसाद देते हैं, हाँ, हनुमानगढ़ी का, हनुमानगढ़ी की दुकान है हमारी, और हम लोग शुरू से आते हैं, काफ़ी दिन से तीन पीढ़ी दुकान है। हम लोग चाहते हैं शुद्धता का जो प्रतीक बना रहे वो बना रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने खानपान के सभी प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ना केवल सिटिंग एरिया में बल्कि बाकी हिस्सों में भी सीसीटीवी कवरेज होनी जरूरी है। साथ ही ऑपरेटर को सीसीटीवी फीड को सेफ रखना होगा और जरूरत पड़ने पर पुलिस या फिर स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है। खाना बनाते समय मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।